ये कौन होते हैं वोट से टालने से रोकने वाले? अभी इसने मेरे थप्पड़ मारा है। आपको पता ही होगा कि रामपुर लोकसभा सीट के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में सियासी जंग छिड़ी हुई है और रोजाना चुनाव से जुड़े मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। यहां तक कि पुलिस की ऐसी वीडियो सामने आई है जो योगी सरकार और उनकी कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है और इस बात का भी सबूत है कि उपचुनाव ईमानदारी से नहीं करवाया जा रहा है और इसी को लेकर आजम खान का बयान सामने आया है। उनके बयान की ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है और इस वीडियो में आजम खान ने खुलेआम योगी और पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आपको आजम खान का ये वायरल वीडियो भी जरूर देखना चाहिए जिसमें इन्होंने ये बात कही है। आप एक बार ये वीडियो देखिए। डालने जा रहे हैं वोट डालने और ये रोक रहे हैं हमें। ये रोक रहे हैं हमें वोट डालने से। हमारा अधिकार है नागरिक का। ये कौन होते हैं वोट से डालने से रोकने वाले? अभी इसने मेरे थप्पड़ मारा है। आपको बता दें कि आजम खान ने ये भी कहा है कि पुलिस सिर्फ हिंदुओं को वोट डालने की परमिशन दे रही है लेकिन मुसलमानों को भगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम तो सारी रात जागे हैं और हमारे प्रत्याशी संसद के सभी थाने गए हैं। सबसे ज्यादा अभद्र व्यवहार थाने गंज के इंस्पेक्टर ने किया और उसने लोगों के साथ मारपीट भी की। अगर वोट प्रतिशत गिराई जाती है तो इसका इल्जाम पूरा प्रशासन पर आएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर व्यंग कसते हुए कहा कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है, तो हमारे साथ जो चाहे करे। मुर्गी बकरी भैंस पुस्तक और फर्नीचर के आरोपी हैं तो हमारे शहर को भी वैसा माना गया है, तो जो चाहे करे, हमें तो सेना है रहना है। बता दें कि रामपुर से आजम खान सांसद थे लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने यहाँ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस वीडियो में आजम खान ने ये सब बातें कही हैं उसे रहमान नाम के एक फेसबुक यूजर ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस वीडियो को उनके फेसबुक से डिलीट कर दिया गया है ताकि बाकी लोगों को पुलिस की ये दादागिरी नहीं पता चले। खैर, वीडियो डिलीट करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो और काफी यूजर ने पोस्ट किया जिससे पुलिस के भी होश ठिकाने आ गए। आपको बता दें कि लगातार 2 सालों से आजम खान को जेल में रखकर योगी ने अपने निजी दुश्मनी साधी है और जब योगी को उपचुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है तो योगी अपने सत्ता में होने का फायदा उठा रहे हैं और पुलिस का इस्तेमाल करके आजम खान और उनके वोटर्स को निशाना बना रहे हैं, जो अपने आप में ही बिल्कुल शर्म की बात है। लेकिन ये भाजपा है भाई, ये लोकतंत्र की सबके साथ और सबके विकास की भी बात करती है और सत्ता में आ जाने के बाद मुसलमानों को टारगेट करके अपने राजनीतिक हित भी साधती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।